इतने सालों से मैं आप ही को खोज रहा था, आज मेरी खोज पूरी हो गई पंडित जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप चाहे जो भी हैं, इतना जान लीजिए कि मैं ये विद्या सिखाता नहीं हूँ। मुझे सीखना नहीं है, बल्कि मैं आपको एक विद्या दूंगा। है? अरे आपको पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं रोज आपकी तर्क प्रतियोगिता देखता हूँ, आपका ज्ञान बहुत ही निराला है, फिर भी एक बात कहे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। कौन सी बात? सच्चाई तो ये है कि आपको सभी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। चुप हो जाइए, आप जानते भी हैं कि आप किससे क्या कह रहे हैं। हाँ जानता हूँ पंडित तर्क वाचस्पति को, पर सच तो सच ही होता है ना पंडित जी। चुप करो। क्या आप भविष्य बता सकते हैं? क्या भविष्य कैसे बता सकता हूँ? मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिससे मैं किसी का भी भविष्य बता सकता हूँ। क्या आप इस शास्त्र के बारे में जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। क्या जानना चाहते हैं? हाँ, जानना तो चाहता हूँ, पर बताएगा कौन? तुम? हाँ। मुझे क्या करना होगा? आपको कुछ करना नहीं होगा, ठीक है? ये लीजिए, मैं कहूँगा कि मैंने दिया और आप कहेंगे कि मैंने ग्रहण किया। लीजिए। मैंने ग्रहण किया। अरे क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? सामने गड्ढा है, संभालिए। देखो उन्हें, ये कहाँ जाना। अरे ये क्या, मैं तो भविष्य देख सकता हूँ, पर वो आदमी वैसे क्यों दौड़कर भागा? बाबा, लॉटरी निकलेगी तुम्हारी, पूरे 15,000 के। बाबा हमारे नसीब में क्या है? परसों तुम्हारी बेटी की शादी होगी। परसों? दामाद घर में आकर बैठा है, आपका बेटा बुलाने आएगा। माँ जल्दी करो, मधुपुर से दो लोग आए हैं, दीदी उन्हें पसंद है, जल्दी कीजिए माँ। जय हो पंडित बाबा, आप तो साक्षात देवता है। पंडित जी मुझे भी बताइए ना। हाँ पंडित जी देखिए ना। बाबा मुझे भी बताइए ना। अरे बाप रे, सर पे चढ़ो गए क्या? अरे कैसे बचूं इससे, ये विद्या तो बहुत बड़ी मुसीबत है। आप कहाँ जाओगे बच्चे, तुझे अभी चिड़िया खाने वाली है, देख। अरे भाग भाग, जल्दी बिल्ली आ रही है, भाग। अरे बाप रे, ये क्या शुरू हो गया है भाई, जिस तरफ भी देखता हूँ वहाँ का भविष्य आंखों के सामने आ जाता है। ओह कितना डरावना है। ए भाई तेरी गाय को सांप काटने वाला है, गई गई तेरी गाय, गई। क्या कहा तुमने? तुम्हारी गाय को सांप काटेगा, गई तेरी गाय। तुमने मेरी गाय को श्राप दिया, बदमाश कहीं के, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ढोंगी कहीं का श्राप देता है मेरी गाय को, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। भागता कहाँ है, रुक जा, भागता कहाँ है तू? अरे बाप रे, मैं कहाँ कुछ श्राप दे रहा हूँ, मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ भविष्य देख सकता हूँ। बड़ा है सच कहने वाला, आज तेरा मुँह तोड़ूंगा, बस एक बार पकड़ में आ जा। इस बुढ़ापे में तो अब तोड़ा भी नहीं जाता। अरे बाबा रुको, कहाँ भाग रहा है, रुक जाओ ना, इतना शोरगुल किस बात का है, क्या हुआ बताओ? अरे पता नहीं है बदमाश कहाँ से आ गया और कहता है कि मेरी गाय को सांप काट लेगा, इसकी इतनी हिम्मत, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसी बोलकर तुमने ठीक नहीं किया है। तुम्हारे घर में आग लग जाएगी, तुम्हारी बीवी पानी में डूब जाएगी और तुम्हारा सिर फूट जाएगा, देख लेना। देखा आपने, ये सभी को श्राप दे रहा है, आपको भी श्राप दे दिया। नहीं, नहीं, ये सब सच होने वाला है। मारो इसे। पता नहीं कहाँ से आ गया है पागल कहीं का, हम लोग को श्राप दे रहा है ये। सही कहा, मैं तो किसी लड़ाई झगड़े में रहता भी नहीं हूँ और ये कह रहा है कि मेरा सिर फूट जाएगा। अरे मेरा सिर फूट गया रे, अरे मर गया। अरे ये क्या हो गया, इसका तो सच में सर फूट गया, ये कैसे हो गया, कैसे बताया? भैया जल्दी कर, चलिए घर में आग लग गई है। क्या कहा, सर्वनाश हो गया ये तो, चल जल्दी चल, कैसे आग लग गई।
तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी बीवी भी सच में क्या तो सच में मेरी गाय को ये कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ मैं, सच्चाई छुपा भी नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे अपना भाग्य देखना पड़ेगा। लगता है अपना भाग्य स्वयं देखा नहीं जा सकता। जाने दो, छोड़ो, भविष्य जानकर फायदा भी क्या है। ऊपर वाले, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कितनी शांति मिल रही है। आफत गई। अरे ये क्या हो रहा है, ये पीछे नहीं छोड़ेगा क्या? आप ऐसे सर झुका कर क्यों आ रहे हैं? तुम्हारे पति को मगर खा जाएगा, देख लेना। है? क्या क्या कहा? अरे बाप रे, ये मैंने क्या देखा? ए ऊपर वाले, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो ऊपर वाले। जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हिमालय, वहाँ मगर नहीं है, यहाँ रहूंगा तो मगर मुझे जरूर खा जाएगा। अगले जन्म में भेंट होगी सीता। ये देखो, अब इन नदी में कैसे पार करूंगा अगर इसमें मगर हुआ तो। ओ माझी रे, अरे ओ माझी भाई, क्या हुआ मालिक? इस नदी में मगर है क्या? कितने चाहिए? यहाँ तो बहुत सारे मगरमच्छ हैं, आपको कितने चाहिए बोलिए। क्या क्या कहा, क्या कहा? फिर तो नदी पार कर नहीं सकता। यही अच्छा रहेगा। क्या हुआ, आप लौट क्यों आए? मैंने विचार करके देखा कि हिमालय जाने के लिए बहुत सारी नदियाँ पार करनी पड़ेगी, रास्ते में मगर मुझे खा भी सकता है, पर अगर घर में ही रहूं तो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो मगर भी मुझे नहीं खाएगा। देखी मेरी अक्कल है। अब अपनी भविष्यवाणी मैं ही गलत साबित करूंगा। आप घर में जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ, आप घर में जाइए। अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हैं? अरे अब क्या बताऊँ, नदी से एक मगर निकलकर गांव में घुस गया है, आप लोग सावधान रहिएगा। हाँ बता दे रहा हूँ। ये क्या अनर्थ हो गया। ए जी सुनते हैं।